अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह का फजल रमजान बिल्कुल ठीक हैं और मौसम बहुत 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 प्यारा है। और मैं यहाँ पर बाहर आई हूँ, मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सुबह से व्लॉग में स्टार्ट किया, तो मैंने कहा अभी चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और साथ में आपको नज़ारे कराते हैं खूबसूरत मौसम के। बहुत प्यारा मौसम है और हमारे पौधे जो हैं वो देखिए कितने खुश हो गए हैं। बड़ी गर्मी थी, अभी अभी मेरे बाबा से बात हो रही थी तो कह रहे थे बेटे आज बहुत गर्मी है। मैं नमाज़ पढ़ने गया था तो बहुत गर्मी है, मैंने कहा हाँ पापा जी बहुत है। और अभी मौसम इतना प्यारा हो गया, मैं अभी बाहर निकली तो बारिश हो रही थी बकायदा, और देखिए कितना प्यारा मौसम हो गया। अभी मैं छत पर जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा मौसम है। और ये मेरे कैमरे पर बारिश गिर गई है, तो बारिश तो हमने आपको दिखा दी और इस बारिश में बहुत सारी रील्स और शॉर्ट्स बनाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे अपने कुकड़ कुकड़ियाँ बंद करने। एंड आप देखिए आसमान कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है। नीचे के मुर्गों को इग्नोर करें और ऊपर के नज़ारे, ऊपर जो आसमान नज़र आ रहा है उसके नज़ारों का मज़ा लें। हाय अल्लाह तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह। अच्छा खैर, अभी इनमें कुकड़ों को बंद कर लूँ ज़रा, और इन्होंने मुझे बड़ा तंग करना है। अभी लगा दें इनको, बेचारों को गर्मी बड़ी लगती है तो खुले छोड़े हुए थे, और अब तो अल्लाह मियाँ ने रोमांटिक सा मौसम कर दिया तो अब मैं इनको करने आई थी। और मैं मौसम आपको दिखाती हूँ, वो देखें ज़रा। अच्छा ये देखें, इस तरफ बादल और इस तरफ बादल। वाह मेरे मालिक, तेरी शान तेरी कुदरत। तो खैर अभी दिल कर रहा है कि कोई पकौड़े शकौड़े बनाएं, कोई चस्का वगैरह लगाएं, देखें अब क्या करते हैं। तो थोड़ी सी मैं छत पे आई हूँ तो रील बना लूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो एज़ यूजल मौसम सुहाना, हमारी लाइट ले गया है, लाइट हमारी जा चुकी है और यहाँ पे पली है पालक। और मैं अभी अभी कह रही थी आमना को कि आज सुबह से ना मेरा पकोड़े खाने का बड़ा दिल कर रहा है। असल में मुझे हमसाया के घर से खुशबू आई थी पकोड़ों की, तो मेरी बहन ने मेरे लिए उसी टाइम आके साजो सामान तैयार कर लिया, तो मुझे कहती आके जल्दी से वीडियो बना लो। और मैं यहाँ पर बनाने आई हूँ वीडियो, पकौड़े बनने लगे हैं मज़ेदार से। वैसे हमने घर में टींडे बनाए हैं और पकौड़े, यहाँ पे आमना ना पकौड़ों का सामान बनाने लगे। साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ बाहर मौसम, मैं अभी छत से भी आपको दिखा के आई हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर ही बैठी रहूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं फ़नान को सुला रही थी, फ़नान को सुला के मैं आ गई हूँ यहाँ पर। यहाँ पर बनेंगे हमारे पकौड़े मज़ेदार से, एंड आई एम श्योर आप लोगों का भी, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन कौन है जिसको ऐसे मौसम में एक तो समोसे और एक पकौड़ों की क्रेविंग होती है। वैसे तो ये एक आम सी बात है, लोग ये कहते हैं कि मौसम सुहाना हो तो पकौड़े और साथ चाय हो तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ ज़रा कम जाती हूँ वो इस वजह से, क्योंकि मुझे तो लगता है चाय की तो अब लगता है कि चाय तो जब दिल करे तब पी लेनी चाहिए, और पकौड़ों के साथ स्पेसिफिक मैं चाय नहीं पीती। हाँ जी, तो ये यहाँ तक बना है और अभी हमें अंदर आ गई है एक कॉल। असल में मेरे भाई की कॉल आई है और वो कहता है कि मौसम बड़ा प्यारा है, क्या बनाया? मैंने कहा टींडे। तो फिर उसको मैंने बाद में बताया कि हम लोगों ने बनाए हैं पकोड़े बनाने लगे हैं, तो कहता हमारे लिए भी बना लेना। तो अब हम लोग इसको ज़्यादा करने लगे हैं मिक्सचर, अब सब कुछ और बनाना पड़ेगा जी। तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है और मैंने उसको भेज दिया है अब खिजर के घर चार्जिंग पे लगाने के लिए, क्योंकि उनके घर UPS है ना, तो कनेक्शन है, फ़ोन चार्ज हो जाएगा। तो तब तक मैं यहाँ पे फाकरा के फ़ोन से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको क्वालिटी का फ़र्क लग सकता है। ये देखिए हमारा मटेरियल जो है वो बन गया है, मंगा लिए थे प्याज और जो जो चाहिए था। हाँ आई थिंक हो गया बस, ठीक है बना लेंगे ये। यहाँ पर दो अभी हमने डाले हैं, हमने कहा चेक कर लें पहले इसकी नमक मिर्च और उसके बाद फिर इसको फ्राई करते हैं। तो खैर मैं आपसे ये कह रही थी, ये जो आपको चूड़ियाँ नज़र आई थी ना डालते हुए, ये हमने दरबार से पहनी थी, वहाँ पे ना चूड़ियों के स्टॉल्स भी थे। तो मैंने शॉर्ट बनाई तो थी, आई होप कि मैं पोस्ट कर दूँगी।
तो उसमें था स्टॉल थे बड़ी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ थे रीज़नेबल प्राइस में। यहाँ पर तो सादी चूड़ियाँ जो हम 100 रुपये दर्जन मिल रही हैं, वहाँ पर हम लोगों ने ये वाली 200 रुपये दर्जन ली हैं। मैंने भी ली थी, सीरत ने भी, आमना ने भी, हमने सब ने ख़रीदी थी। और अभी अभी इतनी तेज़ बिजली कड़की है ना, आई थिंक कहीं पर बिजली गिरी है, बहुत तेज़ आवाज़ थी। हयान अंदर था, वो चीखे मारती, उसने डर ही गया था। तो खैर यहाँ पे ना कोड़ा जो है वो हो गया। जी तो यहाँ पर जो मैंने वो टेस्ट किया था ना पकोड़ा, उसमें सब्ज़ मिर्ची मेरे मुंह में आ गई थी और बड़ी मिर्च लग रही थी। तो मैंने यहाँ पर संदल का शरबत बनाया, मैंने वो पिया था कि मेरी मिर्ची का मुझे थोड़ा सा सुकून आ जाए। और उतनी देर में यहाँ पर इतना खूबसूरत मौसम हो और साथ में पकोड़े हों तो क्या ही बात। आज तो मैं उस टाइम पर लमिया से कुछ और मांग ले रही, तो मुझे वो भी मिल जाता, शुक्र अल्लाह सब कुछ मिलने के लिए। सरप्राइज़। जी तो हमारी लाइट आ गई है और ये देखिए एक राउंड हम लोग निकाल चुके हैं, उसमें से हम लोग आधा खा भी चुके हैं, दूसरा राउंड जो है वो बस निकलने लगा है। और देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है। जी तो पकोड़े हमने खा लिए हैं और मैं कुछ देर के लिए गायब हो गई थी क्योंकि तायमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। देखिए अब सब लोग वहाँ ना उनके पास बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं समझ ही नहीं आई क्या हुआ, असल में बिजली कड़की थी, मैंने आपको बताया था बहुत तेज़ी से, तो वो डर गए जैसे, तो गुमसुम सी हो गए थे। खैर तो अब उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई है, तो हम लोगों ने अब वो बैठी हुई हैं। हम लोगों ने पकौड़े थोड़े से हमें बचे थे, बाकी ख़त्म हो गए, बच्चों को दे दो दिए थे, तो वो हम लोगों ने खाए हैं। हम लोग वैसे इंजॉय नहीं कर सके जैसे हमने करना था क्योंकि परेशानी आपको पता, फिर घर में आए तो फिर कहाँ पे इंजॉयमेंट होती है। खैर वो पीलिया अभी मेहमान आ गए थे भाई, मीर अली कहीं गए हुए थे, तो वो जिनके साथ गए थे उनकी के साथ वापस आए हैं। उनको भाई चाय वगैरह दी है, तो बिस्किट, ये खलीफा के हमारे घर अक्सर बिस्किट आते हैं, केक आते हैं, बस वही आए थे तो उनको दिया, ये आधा बच गया। हमने थोड़ी सी बोतल वगैरह तो पी ली है, अब मेरा इरादा है ये पीने का, तो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ चाय पीने में थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, तो ये हाफ बिस्किट जो है मैं चाय के साथ खाऊंगी। और फर्दर देखती हूँ कि ब्लॉग इतना ही रहता है या थोड़ा सा और करती हूँ। आई थिंक आज का मेरा ब्लॉग बहुत शॉर्ट होगा, मिनी ब्लॉग से थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन शॉर्ट ब्लॉग ही होगा। जी तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि तायमी की तबीयत अभी भी थोड़ी थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, तो हम लोगों का जहन उसी तरफ था। फिर अंदर आ गई, यहाँ पर अफनान खेल रहा था, तो मैं कहीं भी व्लॉग का एंड कर देती हूँ। ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप यू लाइक इट। मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।